अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। मैट्रिक इंटर रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ को पाएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 मार्च को हाई लेवल मीटिंग के बाद जो है कि सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि अब जो है न्यू तिथि, मैट्रिक इंटर रिजल्ट जारी करने की तिथि क्या है, उस न्यूज़ को हम अंत में जानेंगे। पहले जो सरकार ने फैसला किया है, इस न्यूज़ को हम विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ का हेडलाइन, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट 31 मार्च के बाद, विशेष संवाददाता पटना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 मार्च तक बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, चिड़िया घर बंद, बिहार दिवस का प्रोग्राम भी रद्द, पटना। अब देखिए ये न्यूज़ जो है कल 13 मार्च को जारी किया गया है, पटना। राज्य में लगातार मिल रहे कोरोना के संदिग्ध मरीज और देश में कोरोना से हुई पहली मौत के बाद बिहार सरकार ने सुरक्षा और बचाव के लिए राज्य से सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक से बाहर आकर मुख्य सचिव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च तक के लिए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस बार बिहार दिवस पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम। इस बीच पड़ने वाले बिहार दिवस के कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। बता दें कि बिहार की स्थापना दिवस 22-23 मार्च को प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के डर के कारण कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बीच पड़ने वाले सभी परीक्षाएं का आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डीएलएड हो गया और उसके पश्चात आपको बीएड का एंट्रेंस हो गया, ये सब भी एग्जाम आयोजित नहीं होगी, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलकूद, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित भीड़ भाड़ जमा होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को हुई बैठक में यह भी बताया गया कि सोमवार को इस मसले पर अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शिक्षकों से रैली टालने की अपील हुई है। अब देखिए, बैठक से बाहर निकलने के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अब तक राज्य में 142 मरीज ऑब्जेक्शन में थे, जिसमें से 73 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को भी अल्टरनेट डे बुलाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ऑफिसों में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। सरकार के आदेश के अनुसार 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक राज्य के सभी सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। 48 शिक्षकों से भी 22-23 मार्च को पटना में आयोजित रैली को रद्द करने की अपील की गई है। इंटर परीक्षा का रिजल्ट 29 मार्च को जारी होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब यह रिजल्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर परीक्षा का जो रिजल्ट है वह 29 मार्च को जारी होना था, लेकिन अब जो है कोरोना वायरस के कारण यह रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप बिहार बोर्ड रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ को चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर फैलाएं, ताकि छात्रों को लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।